इहदा एक पोर्शन खत्म होया, एक पार्ट इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, दूजा इलैक्ट्रोलिटिक सैल। जी इलैक्ट्रोलिटिक सैल दो तरह के होंगे, एक हुंदा इलैक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सैल, देखियो पहलों तो जिहड़ा ये सैल बनाई जांदा ना, इहदे च इक्को बीकर हुंदा जी, जिहड़ा आपां फस्ट पार्ट कीता है, एक अनोडिक एक कैथोडिक हुंदा है ना, इहदे च इक्को बीकर होना, उसे दे विच दोनों रॉड डिप कीतियां होणियां। दोनों रॉड डिप करांगे, एक नूं आपां बोलांगे अनोड, अनोड दूसरे नूं आपां बोलांगे कैथोड। कैथोड इत्थे करंट फ्लो होना, जा पहलों इत्थे बना लिए दा, आ हो गया इलैक्ट्रोलाइट। इहदे च जिहड़ा अनोड आ पॉजिटिव हुंदा, कैथोड नैगेटिव हुंदा। जिहड़ा पिछला पार्ट आपां पढ़ के हटे, उच्चा साइन दा फर्क ही, अनोड नैगेटिव ही, कैथोड पॉजिटिव हुंदा ही। इह दो तरह दे सैल किद्दां बनाए गए, इत्थे ई एम एफ पैदा होना, ई एम एफ इंड्यूस, इंड्यूस मतलब पैदा होना, ई एम एफ का मतलब इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। जिथे ई एम एफ पैदा हो जाए उत्थे केड़ी चीज़ जनरेट हुंदी आ, करंट, करंट फ्लो करेगा, जनरेट होगा। करंट फ्लो होना अनोड टू कैथोड, किन्ने फ्लो करवाना वा, जाते किन्ना दा फर्क होवे इलैक्ट्रोलिटिक कंसनट्रेशन का। मान लो इधरला जिहड़ा पोर्शन आ उत्थे कंसनट्रेशन हैगी सी वन, इधरला जिहड़ा पोर्शन बचदा इधर कंसनट्रेशन हैगी सी टू। कंसनट्रेशन का मतलब हुंदा नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम, जिदा इत्थे मोल घट होणगे इधर मोल वध होणगे, दोनों दे विच जिदा इक्को चीज़ आ, पर फर्क कित्थे पै जाणा, इधरले बन्ने कंसनट्रेशन कुछ होर होनी, इधरले बन्ने कंसनट्रेशन कुछ होर होनी। करंट फ्लो होना ड्यू टू कंसनट्रेशन डिफरेंट, कंसनट्रेशन डिफरेंस ऑफ ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ही लिख लें, कंसनट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। उधर वेखियो फिर इदां दी कोई चीज़ रिपीट होनी, जे जिस तरह इलैक्ट्रोलिटिक सैल जिहड़ा हुंदा उहनू इक्को बीकर नहीं बनाउणा आपां, एक बीकर दो रॉड, एक नूं अनोड बोलिया, एक नूं कैथोड बोलिया, इहनां नूं डिप कीता किसी इलैक्ट्रोलाइट दे विच। हुण हो सकदा इह पूरे दे पूरे इलैक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन सी होवे, जिदा इत्थे कंसनट्रेशन का फर्क हैगा ही, उत्थे कंसनट्रेशन का फर्क नहीं हैगा। फर्क कहदा पैणा जी इलैक्ट्रोड्स के प्रैशर का, इस इलैक्ट्रोड का प्रैशर पी वन होना, इस इलैक्ट्रोड का प्रैशर पी टू होना, इन्हों की वजह ना इलैक्ट्रॉन फ्लो होने। जदों एदा प्रैशर पी ते एदा प्रैशर पी प्रैशर सेम, उदों किन्ना दी वजह ना इलैक्ट्रॉन फ्लो होंदा है, सी वन ते सी टू की वजह ना। ते जदों आ चीज़ां सेम आ, इत्थे भी सी, उदों किन्ना दी वजह ना फ्लो होंदा है, प्रैशर की वजह ना। जिदा मैं इत्थे कोई सैल लिखना होवे, मैं इत्थे सैल लिखदा वा, अनोड अल की हुंदा ही एच टू तो की बनता एच प्लस, फिर साल्ट ब्रिज एच प्लस तो की बनता एच टू, कोई इदां दा सैल लिखता, इहदी इहदा प्रैशर जिहड़ा एच टू का हो सकता 1 ATM होवे, इस एच टू का प्रैशर किन्ना होवे 2 ATM। पी वन तो पी टू डिफरेंट है, पी वन तो पी टू डिफरेंट है, तो आई दी कंसनट्रेशन
टू मोलर होवे इहदी कंसंट्रेशन टू मोलर होवे सी वन किहदे इक्वल आ गया सी टू दे फिर इत्थे भी सी लिख दी इत्थे भी सी लिख दी किहदा फर्क आ प्रैशर दा ते सैल वर्क करूगा इधर आ जाइए इत्थे जे मैं कोई सैल लिखा कॉपर लिखिया कॉपर सख्त ही वह इदा का बन गया फिर कॉपर इस तरह तो इदा का बन गया सैल इदा का ही होगा दोवें बन्ने सेम ही होना फर्क की पैना इत्थे आ चीज़ा सेम होनिया वैसे इत्थे प्रैशर तो नहीं लिखते आप क्योंकि मैटल आ वह गैस आ हाइड्रोजन गैस आ उहदे थले ए टी एम वगैरह लिखा इन्ह थले रहन दिने इत्थे कंसनट्रेशन वन मोलर होनी इत्थे टू मोलर होनी इहदा फर्क पै गया इत्थे आ दोनों सेम इत्थे आ दोनों डिफरेंट इत्थे आपां कहांगे करंट फ्लो ड्यू टू प्रैशर डिफरेंस एट इलैक्ट्रोड्स थोड़ा फर्क पता लग गया ठीक है नोट करो इन्हां नूं इको ही होना सारा कुछ इन्हां च एक गल होर हुणे आपां याद रख लीए जदों आपां ई नॉट सैल कढ़दे उहनूं कढ़ी देना ई कैथोड माइनस ई अनोड पर इत्थे ते वेखो इधरला बन्ना अनोड वाला हुंदा इधरला बन्ना कैथोड वाला हुंदा दोनों सेम ही लगते कॉपर कॉपर जीरो सेम ही होने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी जीरो हो गया इन्हां च ई नॉट सैल हमेशा जीरो होना इक्को दे होणगे मटीरियल जिद्दां आवी कॉपर दा बस कंसनट्रेशन जिद्दा जिथे नू रखिया उत्थे थोड़ा क्या भी चेंज आ जाए कोई ना कोई कॉपर कॉपर रहना निकल निकल रहना जिंक जिंक रहना जाते कंसनट्रेशन दा फर्क पै जाना नहीं मोल्स बदल दे ने नंबर ऑफ मोल्स इहदी नर्स्ट इक्वेशन लिखीए हुण आपां फिर क्वेश्चन करना जी ये रिलेटिड नर्स्ट इक्वेशन देखियो की होंगी ई सैल ई नॉट सैल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग की लिखते ने अनोड बाय कैथोड याद है ना चीज़ इधरला बनना हैगा अनोड का अनोड ते कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन का फर्क पैना ना दोनों की इतने कंसनट्रेशन किन्नी लिख दिए ये कोई फिक्सत नहीं ना होनी इतने किन्नी लिख दिए सी वन तो इतने सी टू हुण आ देखियो अनोड अनोड की जगह पर की लिख देना सी वन ई सैल उस तरह आ चीज़ जीरो इतने की आ जाना माइनस 0.0591 बाय एन अनोड की कंसनट्रेशन सी वन तो कथोड की लॉग उस तरह आ एक फार्मूला तैयार हो गया जे तुम माइनस न प्लस बदलना चाहते इन्हों बदल दो सी टू उपर तो सी वन हेठा लिख दो तो माइनस प्लस बदल जूगा मेन वैसे तुम जे चाहते सी वन सी टू यही नहीं लिखना तो अनाउंस इक्वेशन याद रख लो तो इन्ना याद रख लो ई नॉट सैल कि भरी दा जीरो परले बन्ने जेकर आप लिखना हों आ करियो कंप्लीट उधर पी वन बाय पी टू आ जाना बस वह भी लिख लियो उधर पी वन बाय पी टू आ जाना इधर सी वन बाय सी टू आ जाना देखते दे ना रिलेटिड नमेरिकल
एक बार खुद अटैम्प्ट करो, वेखो कोई आंसर आता है। कॉपी दो, मैं ना आ मैथड समझा के देखा कर। जेड़ा हुंदा ना अलूमीना Al2O3, इनू जेकर पिघलाना होवे ना, मेल्ट करना होवे, मेल्टिंग पॉइंट ये किन्ना हुंदा अबव 3000, 3000 डिग्री सैलसीयस तो भी ज़्यादा हुंदा, ते बड़ा ज़्यादा है कि जेड़े बर्तन दे विच इनू रखिया वह पिघल जाना, इन्हें आप नहीं पिघलना, अब बहुत ज़्यादा है 3000 डिग्री सैलसीयस। हुण वेखियो इनू की करना, आपां जेकर आपां इहदे विच की पाईए फ्लोरोस्पर, ते एक होर ही नाल केड़ा लिखिया ही पिछे खोलियो, जिदा उन्होंने कहा ही फ्लोरोस्पर एक क्रायोलाइट, क्रायोलाइट पाईए, क्रायोलाइट, ते इहदा जिहड़ा मेल्टिंग पॉइंट आ जे इन्हां दे विचों एक ने की करना दसदा, वैसे इहदा मेल्टिंग पॉइंट आ जाना 995 डिग्री सैलसीयस तक, जे आपां इन्हां दोनों नूं पाउने आ ते। ठीक है, जे तुहानूं डायग्राम दे विच इह दो लिखणे पैंदे आ, इन्हां दे विचों एक दा काम आ इहदा मेल्टिंग पॉइंट घटाउणा, एक दा काम हैगा वा जिस तरह आपां कह लईए एक दा काम आ कंडक्शन कराउणा। प्योर अलमीनियम जेड़ा हुंदा ना वो पुअर कंडक्टर हुंदा, उहदे चों बिजली पास नहीं हुंदी, पुअर कंडक्टर हुंदा। इन्हां चों लिखिया होणा एक ने कुछ कीता होणा वा, जां बाद च इह चीज़ पढ़ लैंदे आपां वी इत्थे, इधर देखियो मैं कहण डिया वी इन्हां दे विचों एक दा काम आ इहनूं इत्थों तक लै के आउणा, इन्हां दे विचों किसे एक दा काम आ इहदी कंडक्शन वधाउणा, ताकि कंडक्शन कर सके, इलैक्ट्रॉन वगैरह गेन करे जां रिमूव करे। होगा कि एक आपां स्टील टैंक लैना, स्टील एक अलॉय हुंदा जी, स्टील वेलो डबली पैंदा की पैंदा, स्टील टैंक लिया, इहदे अंदर बार आपां कार्बन की लाइनिंग की, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट विच कार्बन के चार एटम, तीन एटम जुड़े हुंदे, डायमंड चार हुंदे, कार्बन लाइनिंग लिख दिंदे, कार्बन ते इन्हें एक्ट करना जी एज आ कैथोड, क्योंकि कार्बन का एक केड़ा एलोट्रोप आ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कंडक्शन करता, तो इन्हें एक्ट करना एज आ कैथोड, तो जिदा मैं इतने दसता पाया कैथोड ते केड़ा चार्ज होगा, नैगेटिव, नैगेटिव चार्ज होगा, तो एट कैथोड रिएक्शन की होनी, फिर एट कैथोड रिएक्शन की होनी, हुण ये टुट चुका होगा, ये टुट के किहदे विच टुट जाना, ये प्लस 3 वक्खरा ते O2 माइनस वक्खरा, कैथोड ते की होना जी, जिदा आ जिहड़ा सल्यूशन आ ये तिन्ने चीज़ां ने, Al2 ये टुट गया, प्लस 3 ते O2 माइनस, इहदे च फ्लोरोस्पर भी हैगा ते क्रायोलाइट भी हैगा, आ जिहड़ा ना ये आउणा वा कैथोडल, कैथोडल, ते इत्थे आ लाइनिंग सारी उहदी आ कार्बन दी, कार्बन की, इहदे ते किहड़ा चार्ज आ माइनस, कैथोड ते माइनस हुंदा, प्लस वाले ने माइनस आ लाउणा, ये जिहड़ा प्लस वाला इन्हें 3 इलैक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये इस तरह का बन गया अलमीनियम। तो इतने वेखियो बुक तो इदा टेढ़ी जी लाइन बनाई ना पूरी, ये सारा की आ अलमीनियम जम्मी जान डे, इतने अलमीनियम बाद चों उहनूं ऐं दी बाहर कढ लैणा आपां, इतने कोई आउटलैट होगी, तो जिहड़ा O2 बचदा वह उन्हें किधर जाना, इतने अनोड दियां भी आपां प्लेट्स पाईआं, आ जिहड़ियां प्लेट्स आ ये कादियां वा अनोड दियां, ते अनोड ते किहड़ा चार्ज होना पॉजिटिव, ते O2 नैगेटिव पॉजिटिव वाल ही जाऊगा, रिएक्शन वेख लियो O2 नैगेटिव,
इन्हें की करना इदा दे दो मोलीक्यूल होने तो इतने आप लिखता क्योंकि कला जाना इन्हें दूजे ना जुड़ के फिर ही ओ टू बना तो यह इस तरह बन जाना ओ टू ओ ते ओ रल के ओ टू बन गया तो इधर किन्ने इलैक्ट्रॉन है दो ते दो चार इधर चार इलैक्ट्रॉन लॉस हो गए समझ लग गया मसा दो रिएक्शन होर कुछ भी नहीं कल आप एवें चीज़ें देखी जाए जी उपर वाली रिएक्शन सिर्फ इन्होंने यही दसी।